हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अंजनास किचन में। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट और स्नैक्स की ऐसी रेसिपी जिसे खाकर हमारी चाय का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट और स्नैक्स बनाने के लिए मैंने ली 1.5 कटोरी पोहा और 4 उबले हुए आलू जिन्हें मैंने छील लिया, कटा हुआ हरा धनिया, 1 कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, गेहूं का आटा, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सबसे पहले हम पोहे को गर्म पानी में भिगो कर रखेंगे। लीजिए, मैंने गर्म पानी पोहे में डाल दिया है और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक भिगो कर रखेंगे जिससे कि जो पोहा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और अब हम आलू जो हमने लिए हैं उन्हें ग्रेट करेंगे। आप आलू को हाथ से भी मैश कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और अब हम पोहे के पानी को ड्रेन करेंगे। देखिए, पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम पोहे को ड्रेन करने के लिए एक जालीदार बर्तन में डाल लेंगे। लीजिए, मैंने पोहे को एक जालीदार बर्तन में डाल लिया है और अब हम पोहे को 2 से 3 बार ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। देखिए, इस तरह से पोहे को जालीदार बर्तन में डालने से जैसे ही हम ऊपर से पानी डालेंगे वो पानी नीचे अपने आप ही ड्रेन हो जाता है और हमारा जो पोहा है वो भी अच्छे से वॉश हो जाएगा। और इसी तरह से ही हम पोहे को दूसरी बार भी अच्छे से वॉश करेंगे। देखिए, इस तरह से। लीजिए, मैंने पोहे को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे बड़े और खुले बर्तन में 5 से 10 मिनट तक डालकर खुले में रखेंगे जिससे कि जो पोहे में एक्स्ट्रा पानी है वो ऑब्जर्व हो जाएगा। देखिए, पोहे का जो पानी था वो निकल चुका है। लीजिए, मैंने इसे एक खुले और बड़े बर्तन में डाल दिया है और अब हम पोहे को 5 से 10 मिनट तक के लिए इसी बर्तन में ही रखेंगे। लीजिए, मैंने पोहे को इसी बर्तन में अच्छे से फैला दिया है। देखिए, 5 से 10 मिनट के बाद जो पोहा है वो अच्छे से सूख चुका है और अब हम इसे इस तरह से अच्छे से गूंथ लेंगे। जिस तरह से हम डो तैयार करते हैं इसे भी हम उसी तरह से ही अच्छे से गूंथ लेंगे। देखिए, ऐसे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारा ब्रेकफास्ट और स्नैक्स बनकर तैयार होगा। ये जो हमारा ब्रेकफास्ट और स्नैक्स है बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। लीजिए, मैंने पोहे को अच्छे से मैश कर लिया है और अब हमने इसमें जो आलू ग्रेट किए थे उसे भी डाल दिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, जीरा भी ऐड करेंगे और जो हमने मसाले लिए हैं उन्हें भी ऐड करेंगे। और मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि जो ये मसाले हैं और जो आलू हैं वो पोहे में अच्छे से मिक्स हो सके। लीजिए, मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप उसमें नमक और भी ऐड कर सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया है। लीजिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके एक डो बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा जो हमने गेहूं का आटा लिया है उसे डालेंगे। आटे को हम सारा एक साथ ही नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें आटा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गेहूं के आटे का यूज़ हमने इसे पोहे और आलू को अच्छे से बाइंड करने के लिए किया है। लीजिए, मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है और अगर आपको ये डो थोड़ा पतला लगे तो आप इसमें गेहूं का आटा और भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए, मैंने इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा और भी ऐड किया है और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया है।
लीजिए, अब हमारा एक ये डो बनकर तैयार है। और इस स्नैक्स या ब्रेकफास्ट को आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। और इस डो में से थोड़ा सा पोर्शन हम अपने हाथ में लेकर उसकी एक लोई तैयार करेंगे। लीजिए, मैंने एक बड़ी लोई बनाकर तैयार कर ली है। और चकले पर हम पहले थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और फिर थोड़ा सा लोई के ऊपर भी सूखा आटा लगाएंगे और हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। ज़्यादा दबाकर हम इसे नहीं बेलेंगे, हल्के हल्के हाथों से ही हम इसे बेल लेंगे। और हम इसकी मोटाई जितना हम पराठे में रखते हैं उतनी ही रखेंगे। इसे ना तो ज़्यादा हम पतला करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे। लीजिए, मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है। जो हमने ये पराठा बेलकर तैयार किया है, इसकी किनारी हमें थोड़ी फटी हुई लग रही है क्योंकि हमने इसमें पोहा और आलू का यूज़ किया है, इसलिए हम इसे इस तरह से एक तीखे ढक्कन के साथ काट लेंगे और साइड के जो पोर्शन है उसे हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और अब हम इस तरह से ढक्कन को उठा लेंगे और देखिए जो हमारी रोटी थी वो एकदम गोल बनकर तैयार हुई है। और अब हम इस तरह से चक्कू की सहायता से इसे त्रिकोणीय आकार में काट लेंगे। देखिए इस तरह से, अब हम इसे दूसरी साइड से भी इस तरह से कट कर लेंगे। लीजिए, हमारा जो ब्रेकफास्ट और स्नैक्स है वो ट्रायंगल शेप में कट कर तैयार है। आप चाहें तो इसे बीच में से भी और भी कट कर सकते हैं। लीजिए, हम इसे इस तरह से प्लेट में रख लेंगे। और अब हम इसी तरह से ही बचे हुए सारे डो में से पराठा बेलकर उसे ट्रायंगल शेप में कट कर कर तैयार करेंगे। लीजिए, मैंने सारे डो को इस तरह से कट कर कर तैयार कर लिया है और इधर से मैंने तेल भी गरम कर लिया है। जब तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है और अब हम इसमें इस तरह से कटे हुए पीसीज में से एक पीस को उठाकर तलने के लिए तेल में डाल देंगे। अब हम इसे इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे जिससे कि जो ये पीस है वो अच्छे से फूल जाएगा। देखिए, बहुत ही फुला फुला हमारा जो ये पीस है बनकर तैयार हुआ है, देखिए। और इसी तरह से ही हम बाकी के सारे कटे हुए पीसेस को भी तल लेंगे। लीजिए, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। देखिए, अब दूसरा पीस भी इसी तरह से ही तलकर तैयार कर लिया है और इसे भी एक प्लेट में निकाल लिया है। लीजिए, मैंने इन्हें तल लिया है। मैंने इसे ग्रीन चटनी और मेयोनीज के साथ सर्व किया है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।